तो आज हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास टेंथ के इंग्लिश बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी जिसका नाम है द नेकलेस। सो ये जो चैप्टर है ना काफी इंटरेस्टिंग है एंड तुम लोगों को एंडिंग जानकर इस चैप्टर का काफी ज्यादा शौक लगेगा एंड हंसी भी आएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा जो तुम्हारे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो अब आराम से चुकुमुकु बैठो एंड चलो मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से मिलवा देता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिथिल्डा एंड मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सारी खुशियों के लिए ही बनी हुई हूँ। हाय, मैं हूँ मिस्टर लाउजेल एंड मैं एक बहुत ही सिंपल ह्यूमन हूँ। हाय, मैं हूँ मैडम फॉरेस्टर एंड मैं मिथिल्डा की एक बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ एंड मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ। तो अब चलो हम लोग चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मैथिल्डा एक बहुत ही प्रिटी यंग लेडी थी जिसका बर्थ डेस्टिनी की गलती के वजह से एक क्लर्क के यहाँ होता है। वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहा करती थी क्योंकि उसके पास कोई भी डाउरी नहीं था देने के लिए। उसके पास कोई भी होप नहीं था कि वो किसी अमीर घर में उसकी शादी हो। इसलिए एट द एंड उसकी शादी एक क्लर्क से होती है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था। मैथिल्डा काफ़ी सिंपल थी और काफ़ी अनहैप्पी रहा करती थी। उसका ये फीलिंग था कि उसका ये मानना था कि वो दुनिया की हर डेलिकेसीज और लग्जरीज के लिए ही पैदा हुई है, बनी है। मैथिल्डा जिस अपार्टमेंट में रहा करती थी वहाँ के जो वॉल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सैबी थे, चेयर्स भी बहुत अच्छी नहीं थी और ये सारी चीज़ें उसे बहुत परेशान किया करती थी और उसे गुस्सा दिलाया करती थी। उसकी एक फ्रेंड थी जो कि काफी ज्यादा रिच थी और वो इग्नोर किया करती थी कि वो उसके पास ना जाए मिलने के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी वो अपने दोस्त से मिलकर आती थी वापस तो वो काफी ज्यादा उदास रहा करती थी और अपने लाइफ से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड पूरे दिन रहा करती थी। अब एक इवनिंग मैथिल्डा के हस्बैंड बहुत ही खुशी खुशी एक बड़े से एनवेलप के साथ घर आते हैं और मैथिल्डा को कहते हैं, मैथिल्डा मैं तुम्हारे लिए आज कुछ लेकर आया हूँ। अब मैथिल्डा वो एनवेलप को तुरंत ही लेती है और खोलकर देखती है। उस एनवेलप के अंदर एक बहुत ही सुंदर सा कार्ड था और वो उस कार्ड में एक इनविटेशन था एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी का जिसमें वो दोनों इनवाइटेड थे। उसके हस्बैंड ने सोचा कि मैथिल्डा इस कार्ड को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि वो इस सब चीज़ की शौकीन है। लेकिन इसका उल्टा होता है। मैथिल्डा कार्ड को देखकर उसे टेबल पे फेंक देती है और कहती है, मैं इस कार्ड का क्या करूं? अब मैथिल्डा का हस्बैंड बोलता है, मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश होगी इस कार्ड को देख के। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ओकेजन होगा। तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो और ये परफेक्ट ओकेजन होगा कि तुम कहीं बाहर जा रही हो। सभी को विश कर रहे थे कि उन्हें ये कार्ड मिले, लेकिन सेलेक्टेड एम्प्लॉयज को ये कार्ड मिला और उनमें से मैं हूं जिसे ये कार्ड मिला। अब ये सुनते ही मैथिल्डा इरिटेटेड आई में उसे देखती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस ओकेजन में पहनने के लिए मेरे पास कौन से कपड़े हैं? अब ये सुनते ही उसका हस्बैंड स्टैमर करते हुए कहता है, जो ड्रेस तुम मेरे साथ थिएटर में पहन के जाती हो वो तुम पे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, वो क्यों नहीं तुम पहन लेती हो? अब ये सुनते ही मैथिल्डा साइलेंटली खड़ी रहती है। अब उसका हस्बैंड बोलता है, क्या दिक्कत है मुझे बताओ। अब मैथिल्डा अपने गुस्से पे कंट्रोल करती है और बहुत ही काम वॉइस में रिप्लाई करती है, कुछ नहीं, मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है पहनने का, बस यही दिक्कत है मेरे साथ। अब उसका हस्बैंड उससे पूछता है, मैथिल्डा तुम मुझे बताओ कि एक अच्छा ड्रेस जो कि तुम पार्टी में पहन सकती हो वो कितने तक आ जाएगी? अब मैथिल्डा थोड़ा सोचती है और एक हेजिटेटेड वॉइस पे कहती है, मैं तुम्हें एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कि कितने में एक अच्छी ड्रेस आ जाएगी, लेकिन अप्रॉक्स 400 फ्रांसिस में पहनने लायक ड्रेस तो आ ही जाएगी।
अब ये सुनते ही उसके हस्बैंड का जो फेस होता है वो पेल पड़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसका हस्बैंड इतना नहीं कमाता था, इसलिए ये सुनते ही उसे झटका लग जाता है कि इतना पैसा वो कहां से दे पाएगा। लेकिन उसके पास उसकी सेविंग बची हुई थी जो कि उसने गन खरीदने के लिए बचाई थी ताकि वो नेक्स्ट समर जाके अपने दोस्तों के साथ अच्छे से हंट कर पाए। लेकिन अब उसका हस्बैंड रिप्लाई करता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रांसिस दे दूंगा, लेकिन ट्राई करना कि तुम उस पैसों से बहुत ही प्रेटी ड्रेस खरीद पाओ। अब दिन बीतते गए और जो पार्टी का दिन था, बॉल का जो दिन था, वो पास आता गया और मैथिल्डा काफी उदास डिस्टर्ब दिखने लगी। अब एक दिन उसका हस्बैंड एक इवनिंग उससे पूछता है, मैथिल्डा तुम्हें क्या हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि एक दो दिनों से तुम काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। मैथिल्डा इसका रिप्लाई करती है, मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं ऐसे पॉवर्टी स्टिकेन लुक के साथ उस बड़ी पार्टी में नहीं जा सकती हूं, उससे अच्छा तो मैं पार्टी में नहीं जाती हूं। अब उसका हस्बैंड रिप्लाई करता है, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स के साथ एक नेकलेस बना लो, वो तुम पे बहुत सुंदर लगेगा। इससे मैथिल्डा कन्विंस नहीं थी और फिर इसके बाद उसका हस्बैंड बहुत ही जोर से चिल्लाता है, हम लोग कितने स्टूपिड है, तुम क्यों ना अपने दोस्त मिमी फॉरेस्टर से जाके कोई ज्वेलरी उधार में ले लो, तुम रिटर्न कर देना बाद में उसे। अब ये सुनते ही मैथिल्डा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे दिमाग में तो ये आइडिया आया ही नहीं था। अब मैथिल्डा नेक्स्ट डे अपनी दोस्त के पास चली जाती है और उससे एक ज्वेल का डिमांड करती है। मिमी फॉरेस्टर उसे अपने क्लोजेट पास ले जाती है और ज्वेलरी सेलेक्ट करने को कहती है। अब मैथिल्डा अलग अलग ज्वेल्स को देखती है लेकिन उसे कोई भी ज्वेलरी पसंद नहीं आती है और फिर उसे कहती है, क्या तुम्हारे पास दूसरी ज्वेलरीज नहीं है। फिर अचानक ही उसकी नज़र एक ब्लैक सैटिन बॉक्स पे जाती है और जब उसे वो खोलती है तो उसके अंदर एक डायमंड नेकलेस था और उस डायमंड नेकलेस को पकड़ते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं और फिर वो नेकलेस को अपने गले में पहन कर देखती है। वो नेकलेस उस पे बहुत सुंदर लग रहा होता है। अब मैथिल्डा हेजिटेटेड वॉइस में अपनी दोस्त से पूछती है, क्या तुम मुझे ये वाली नेकलेस दे सकती हो। अब उसकी दोस्त रिप्लाई करती है, हाँ तुम ले लो इस नेकलेस को। अब बॉल का दिन आता है, यानी कि वो पार्टी का दिन आता है। मैथिल्डा बहुत ही ज्यादा खुश होती है, वो उस पूरे पार्टी में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी दिख रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, वो काफ़ी जॉय में रहती है। सारे मेंस उसके बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो कौन है। वो बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म से डांस करती है और वो पूरी पार्टी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है। मैथिल्डा के हस्बैंड 12 बजते ही सैलो में जाके सो जाते हैं अपने 3 और दूसरे दोस्तों के साथ और उनकी वाइफ्स और मैथिल्डा पूरे 4 बजे तक बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है और डांस करते रहती है। अब 4 बज जाते हैं और वो लोग बॉल से निकलते हैं, यानी कि उनका घर जाने का टाइम हो जाता है। अब मैथिल्डा का हस्बैंड मिस्टर लाउजेल उसे एक शॉल से कवर अप कर देता है, क्योंकि उस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो शॉल से कवर कर देता है। लेकिन ये देखते ही मैथिल्डा उस पार्टी से तुरंत निकलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे उस पुरानी शॉल के साथ देख ले, इसलिए वो तुरंत ही उस बॉल से निकलती है और स्ट्रीट्स में वॉक करने लगती है। रात ज्यादा हो गई थी जिसके कारण उन्हें कोई भी कैब नहीं मिल रहा था, इसलिए एट द एंड उन्हें एक पुराना कैरिज मिलता है जिसमें वो लोग बैठते हैं और वो कैरिज उन्हें घर तक ड्रॉप कर देता है। अब वो लोग घर में जाते हैं। अब घर जाते के साथ जब मैथिल्डा अपने शॉल को हटाती है तब उसे एक बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगता है। उसका जो नेकलेस होता है डायमंड का, वो उसके गले में नहीं होता है। अब वो जोर से चिल्लाती है और फिर उसका हस्बैंड उसके पास आ जाता है कि आखिर क्या हुआ, तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाई।
अब मैथिल्डा बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए कहती है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो नेकलेस नहीं है जो मैंने अपने दोस्त से लिया था, वो डायमंड नेकलेस मेरे गले में नहीं है। अब ये सुनते ही उसका हस्बैंड कहता है, क्या ये तुम क्या कह रही हो, ये नहीं हो सकता है। अब वो दोनों एक साथ उस नेकलेस को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। वो लोग पूरे अपने ड्रेस को चेक करते हैं, अपने सारे पॉकेट्स को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अब लाउजेल मैथिल्डा से पूछता है, मैथिल्डा क्या तुम्हें याद है कि वो डायमंड नेकलेस तुम्हारे गले में था उस पार्टी में। मैथिल्डा रिप्लाई करती है, हाँ मुझे याद है, बाहर आते वक्त वो मेरे गले में ही था। अब उसका हस्बैंड कहता है, चलते वक्त अगर तुम स्ट्रीट में उसे गिराती तो जरूर हमें सुनाई देता, लेकिन हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया, तुमने शायद उसे कैब में गिरा दिया। मैथिल्डा कहती है, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, क्या तुमने उस कैरेज का नंबर देखा था। उसका हस्बैंड रिप्लाई करता है, नहीं मैंने तो नहीं देखा, तुमने देखा था क्या। अब मैथिल्डा रिप्लाई करती है, नहीं मैंने तो उस कैरेज का नंबर नहीं देखा था। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फाइनली लाउजेल फिर से सब होता है और उस डायमंड नेकलेस को ढूंढने निकल पड़ता है। वो जब तक बाहर था तब तक मैथिल्डा भी चैन से नहीं रहती है, वो अपनी ड्रेस में वैसे ही पड़ी रहती है। अब 7 बज जाते हैं और उसका हस्बैंड रिटर्न होता है और उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, उसे वो डायमंड नेकलेस नहीं मिलता है। अब वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, कैब ऑफिसेज भी जाते हैं, एडवर्टीजमेंट भी डालते हैं न्यूज़पेपर में कि जो भी उसे ढूंढ के देगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। टाइम बीतते गया, 1 वीक बीत जाता है, उनके सारे होप मर जाते हैं। अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अब वो लोग एक रॉयल शॉप में जाते हैं जहाँ से उन्हें सेम टू सेम वैसे ही डायमंड नेकलेस मिल रहा था और उसका कॉस्ट था 40,000 फ्रांसिस, जो कि उनके लिए अनअफोर्डेबल था। कैसे भी करके दुकान वाला 36,000 फ्रांसिस पे उस नेकलेस को देने के लिए तैयार हो गया था। लाउजेल के पास 18,000 फ्रांसिस थे जो कि उसके फादर ने उसके लिए छोड़ा था, बाकी के उसने बोरो किए थे इधर उधर से, कुछ उसने अपने दोस्तों से लिया था, कुछ उसने मनी लेंडर से लिया था जिसके लिए उन्हें बाद में पे करना था। अब वो लोग दुकान में जाते हैं और वो सेम टू सेम वैसे ही डायमंड नेकलेस परचेज कर लेते हैं 36,000 फ्रांसिस में। और फिर वो अपने दोस्त के पास जाती है, यानी मैथिल्डा फिर अपने दोस्त के पास जाती है और उसे वो नेकलेस रिटर्न कर देती है। अब बहुत ही खराब टोन में उसकी दोस्त कहती है, तुम्हें ये नेकलेस पहले ही दे देना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। अब मैथिल्डा को डर लग रहा होता है कि कहीं उसकी दोस्त पहचान ना ले कि वो एक रिप्लेसमेंट है उस डायमंड नेकलेस का, लेकिन ऐसा नहीं होता है और फिर मैथिल्डा वहां से चली जाती है। अब इस दिन से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, वो लोग डेब्ट में यानी कि कर्ज में डूब जाते हैं, उन्हें सारे पैसे लौटाने थे जो कि उन्होंने दूसरे लोगों से लिया था। अब वो लोग अपना अपार्टमेंट को छोड़ देते हैं, इवन वो लोग मेड को छुट्टी दे देते हैं। अब मैथिल्डा अपने घर के सारे काम खुद ही करती थी, खुद ही बर्तन धोती थी, खुद ही कपड़े धोती थी, किचन का सारा काम करती थी। मैथिल्डा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी दिखा करती थी, अब वो ओल्ड दिखने लगी थी, अब वो बूढ़ी दिखने लगी थी। उसका हस्बैंड भी दिन रात काम करने लगा था, वो 10 साल तक दिन रात काम करके सारे कर्ज तोड़ लेते हैं और फाइनली उनका 10 साल बाद पूरा कर्ज खत्म होता है। मैथिल्डा अकेले में ये सोचा करती थी कि काश वो नेकलेस मैं उस दिन नहीं खोती, हमारा ऐसा दिन नहीं होता अगर मैं वो नेकलेस उस दिन नहीं खोती। अब एक दिन पार्क में मैथिल्डा चल रही होती है और उसके सामने से उसकी दोस्त मिमी फॉरेस्टर अपने बच्चे के साथ गुजर रही होती है। वो तो नहीं पहचान पाती है, मिमी फॉरेस्टर उसे नहीं पहचान पाती है क्योंकि मैथिल्डा पूरा चेंज हो चुकी होती है। वो सोचती है कि क्या मैं अपनी दोस्त को रोकूं, मैं इसे सच बताऊं। फिर वो डिसाइड करती है, अब तो मैंने उसे नेकलेस दे दिया है तो मैं उसे सच बता देती हूं। अब मैथिल्डा अपनी दोस्त मिमी फॉरेस्टर से बात करती है और उसे रोकती है और फिर उसकी दोस्त भी उसे पहचान लेती है और कहती है, मैथिल्डा ये तुम्हारे साथ क्या हो गया है, तुम इतनी बदल क्यों गई हो। अब मैथिल्डा थोड़ा
गुस्से में रिप्लाई करती है, ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हें याद है तुम्हारा वो नेकलेस, वो डायमंड नेकलेस सब उसी के वजह से हुआ है। अब मैथिल्डा सारी बातें उसे बता देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें एक नया डायमंड नेकलेस दिया तुम्हारे पुरानी वाले के बदले। अब ये सुनते ही मिमी फॉरेस्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ओ माय पुअर मैथिल्डा, वो तो नकली था, तुमने मुझे असली डायमंड नेकलेस दे दिया है। मेरी जो नेकलेस था उसका कॉस्ट बस 500 फ्रांसिस था और तुमने मुझे नया दे दिया है। सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। तुम लोगों को क्या लगता है अब स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा? स्टोरी तो यही कंप्लीट होती है, लेकिन स्टोरी में क्या हुआ होगा आगे? क्या मैथिल्डा ने फिर से वो डायमंड नेकलेस लेकर बेच दिया होगा शॉप में एंड फिर से वो अमीर बन गई होगी? आखिर क्या हुआ होगा कमेंट करके जरूर बताना। अब तुम्हारे स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर तुम लोगों को इसके आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां तुम लोगों को मैं आंसर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर नहीं किया होगा तो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट एरिया में मिल जाएगा। साथ ही में चैनल पे नए होगे देन याद से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी 50K क्रॉस करना है। चलो मिलते किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।